हेलो गाइस जी, वेलकम बैक टू सपना ब्लॉग। और गाइस, सुबह के 5 बज गए हैं, मैं उठ चुकी हूँ और देखो बच्चे मेरे सो रहे हैं। अब मैं थोड़ा बहुत काम करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैं अपना काम कैसे करती हूँ। तो गाइस, बच्चे सो रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ, और इनके उठने से पहले मैं इनका लंच वंच जल्दी तैयार कर दूँ और यूवी के लगाना है गर्म पानी, नहा के स्कूल जाएंगे। बच्चों की डिमांड आई है कि मुझे पनीर के पकोड़े खाने हैं, तो बना रही हूँ। तो आज आपको दिखाऊंगी कि मैं पनीर के पकोड़े कैसे बनाती हूँ। एक कटोरी बेसन बच्चों के लिए, ये बेसन के एक कटोरी के हिसाब से एक गिलास पानी ऐड करूँगी और आराम आराम से देखो, एक कटोरी के तो हाफ ग्लास पानी ऐड हुआ है। तो गाइस, इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी। तो गाइस, इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी गरम मसाला। तो गाइस, अब इसमें हाफ स्पून ऐड करूँगी धनिया पाउडर। तो इसमें हाफ स्पून मिर्च लाल पाउडर, ब्लैक पेपर। तो गाइस, मुझे स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है। तो अब इसे हम मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट के लिए इसे रख देंगे। गाइस, इसको हम 1 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। गाइस, हम पनीर पनीर काट लेते हैं, गरम होती रहेगी। बनाया बच्चों के लिए, में सारे ऐड कर देते हैं पनीर। गाइस, हम टमाटर भी ऐड करेंगे, एक हरी मिर्ची। तो गाइस, धनिया भी ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक। तो गाइस, अब इसे चाय को कप में ऐड करूंगी। A few moments later, गाइस पकोड़े तैयार हो गए हैं पकोड़े के साथ चाय। तो गाइस देखो, तो गाइस देखो, पनीर के पकोड़े और चटनी के साथ। तो गाइस, आपको मेरे पनीर के पकोड़े कैसे लगे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि पनीर के पकोड़े कैसे। तो यू बच्चों की डिमांड थी पनीर की पकौड़े खा के फिर स्कूल अच्छा जाएंगे। तो अभी तो टाइम है, 8:10 हो रहे हैं, और बहुत है, थैंक यू। अभी 8:10 हो रहे हैं, यूबी का स्कूल 9 बजे का हो गया है। तो नाश्ता वास्ता करके नहा धो के फिर स्कूल जाएंगे। सुबह सुबह ये ब्रेड पकौड़े खा सॉरी पनीर के पकौड़े खा रहे हैं, और लड्डू तो चाय पियेंगे नहीं।
लड्डू क्या पीते हो आप? दूध पीते हैं। दूध पीते हैं, क्या पीते हो? दूध। दूध पीते हैं। और एक चाय यूबी की है और एक चाय मेरी है। तो आप मेरी है। अच्छा चाय भी पियोगे? मैं डुबाऊंगा। पकौड़े कौन चाय में डुबो के खाता है भाई? खाते है। लड्डू खाता है? अच्छा जी, मजा आता है। बहुत ज्यादा मिर्ची होती है इसलिए। बट मैंने मिर्ची तो डाली नहीं है। डाली है। अच्छा कैसे पता चला? उसमें धनिया की मिर्ची डाली है। धनिया में मिर्ची डाली है तो देखो चाय में डुबो के पकौड़े खा रहे हैं, चटनी नहीं खाना है। गमन है, क्या गमन है यार। तो गाइस हाथी का सूंड मिलाई है। हाथी का सूंड? हाँ, हाथी सूंड। कैसे हाथी लग रहा है आपको ये? अच्छा तो आप हाथी खा जाओगे? हाँ। बताओ ये चाय के साथ खा रहे हैं देखो। इनका हाथी का सूंड देखो भाई। पनीर भी हाथी का हाथी बन गया। क्या समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो? खा के बोल। अच्छा बनाया है। ओ तारीफ कर रहे हैं ये तो। आपने देखा मैंने सुबह सुबह नाश्ते में, सुबह उठते ही नाश्ते में मेरे को ये सब बनाना होता है, फिर लड्डू गोपाल को नहलाना होता है, सब पूछ सोचो कितना सारा काम होता है सुबह सुबह। और ना बना होते बच्चे रूस जाते हैं। तो गाइस क्या आपके घर में भी बच्चे होंगे तो उनकी डिमांड आप कैसे पूरा करते हैं? तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप अपने बच्चे का केयर कैसे करते हैं। जा अभी यू भी स्कूल जा।